नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखने के शौकीन हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सहित अन्य अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक N95 मास्क कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को घटाने में सर्वाधिक कारगर हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने से बेहतर है कि किसी न किसी तरह का मास्क पहना जाए। अध्ययनकर्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि खांसने और छींकने के दौरान श्वसन तंत्र से हवा में निकलने वाली सूक्ष्म बूंदें COVID-19 जैसे संक्रामक रोग के प्रसार का सबसे बड़ा कारण है। इसरो से पद्मनाभ प्रसन्न सिम्हा और कर्नाटक स्थित श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के प्रसन्न सिम्हा मोहन राव ने इस संबंध में प्रयोग और अध्ययन किया। यह अध्ययन जर्नल फिजिक्स और फ्लूइड्स में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में पाया गया कि N95 मास्क संक्रमण के प्रसार को घटाने के लिए सबसे कारगर उपाय है। यह मास्क खांसने के दौरान मुंह से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों का प्रसार 0.1 और 0.25 मीटर के बीच सीमित कर देती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि सर्जिकल मास्क 0.5 से 1.5 मीटर की दूरी के बीच इसे सीमित कर देता है। सिम्हा ने कहा, पर्याप्त दूरी ऐसी चीज़ है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मास्क फुल प्रूफ नहीं है। क्या फेस मास्क ऑक्सीजन लेवल को प्रभावित कर सकता है? ऑक्सीजन लेवल पर मास्क से होने वाले प्रभाव की चिंता के बीच WHO ने सलाह जारी की है। उसने बताया है कि लंबे समय तक सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ऑक्सीजन में कमी का कारण नहीं बनता है। उसने ऑक्सीजन लेवल पर फेस मास्क के प्रभाव के अफवाह को खारिज किया है। एक वीडियो में कोलंबिया के डॉक्टर मेहमेट ओज ने सर्जिकल मास्क और N95 मास्क पहनने के बाद और पहनने से पहले ऑक्सीजन में गिरावट का मुआयना किया। उन्होंने इसके लिए ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया। इस दौरान ऑक्सीजन के गिरावट लेवल में कोई कमी नहीं आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।